चलो यार फिलहाल अभी कपड़े बदलते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेने चलते हैं, वरना जो पैसा पड़ा है मैं सोच रहा हूँ चोरी वोरी ना हो जाए, इससे बढ़िया गाड़ी लेकर किसी सेफ जगह पे खड़ी कर देंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने अपने कपड़े तो बदल लिए, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। मतलब क्या सीन जो है बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका है। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेने चलते हैं, देखते हैं यार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से मंगानी पड़े। ओके तो यहाँ पर भी फिलहाल मैं सोच रहा था कि मेरे पास कम से कम 4 से 5 कार्स हो जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर दोबारा से मेरे पास अभी 3 ही कार हैं। तो बस अब मैं ये चाहता हूँ मेरी लैम्बोर्गिनी टैरजो ना चोरी हुई। भाई लैम्बोर्गिनी टैरजो भाई बहुत ज़्यादा महंगी कार है, पता अगर मैंने लैम्बोर्गिनी टैरजो बेच दी ना तो लैम्बोर्गिनी सियान जैसी 3 से 4 गाड़ी आ जाएगी भाई, इतनी ज़्यादा महंगी है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, फिलहाल अभी चलते हैं यार पीडीएम पे। यार मतलब जितना फायदा होता है ना उतना ही नुकसान भी जाता है। तो फिलहाल गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं पीडीएम पर, बस ना अब इन लोग के पास यार अपनी लैम्बोर्गिनी सियान अवेलेबल हो, वरना यार 1 हफ्ते से भी ऊपर लग जाएगा इंपोर्ट करवाने में। फटाफट अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करते और चल कर देखते। तो ओ देखो, मतलब जब मैं एक बार पहले आया था तब भी यहाँ पर कोई ना कोई खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, और आज भी कोई ना कोई खड़ा हुआ, मतलब हमेशा इनका यही सीन है। तो अभी अंदर चल कर देखते हैं कहाँ पर है कितनी। ओके तो अपनी लैम्बोर्गिनी सामने खड़ी है, और इस टाइम ना मैं ना पूरे पैसे लेकर आया हूँ ताकि रस्ते में कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए तो पैसे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ली जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है $6 मिलियन के, तो मैं पूरे के पूरे $6 मिलियन लेकर आया हूँ, तो मुझे पता यहाँ पर अवेलेबल जरूर होगी। ओके तो अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर सामने खड़ी है, और ये ना थोड़ी बहुत मॉडिफाइड भी हो रखी है, इसके टायर वगैरह थोड़े बहुत मॉडिफाइड हो रखे हैं, तो शायद से पीडीएम वाले ना गाड़ी को मॉडिफाइड भी करके देने लगे। और यहाँ पर भाई साहब इनके पास तो काफी महंगी महंगी कार्स आ गई हैं। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है कंफर्म हो गई, तो मैं अंदर ऑफिस में जाकर पेमेंट कर देता हूँ इस कार की। अपने पास पूरे के पूरे $6 मिलियन है, अब बस कार ना मॉडिफिकेशन करवाई है तो महंगी ना हो गई हो, तो चलो कोई नहीं। तो चलो गाइस यहाँ पर भी हमें अपनी लैम्बोर्गिनी की पेमेंट कर दिया, मतलब कि $6 मिलियन दे दिया उसे, और सीधा लैम्बोर्गिनी अपनी हो चुकी है। तो चलो भाई अभी अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने घर पे। और यार कमेंट में मुझे ना जरूर बताना कि मुझे इस पे कलर कौन सा करवाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे ही हमारी गाड़ी पहले थी ना वैसे ही करवा लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब भाई अपनी गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा सेफ रखेंगे, और मिलिट्री विलिट्री बेस ना कम ले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी गाड़ी को ना काफ़ी कुछ मॉडिफाई भी करवाना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, हमें इंजन नहीं चेंज करवाना, मतलब जो एग्जॉस्ट होता है ना वो नहीं चेंज करवाना, वो इन्होंने ऑलरेडी वही वाला लगा कर दिया जो कि मेरी लैम्बोर्गिनी में पहले से था। अब फटाफट इसको लेकर चलते हैं घर पे, और भाई स्पीड तो बिल्कुल पहले जैसी है, मतलब कि यार वही मजा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। तो चलो गाइस यार अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक करना, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताना, और हाँ यार कमेंट में ये भी बताना कि मुझे इस गाड़ी पर वही वाला कलर करवाना चाहिए या फिर कोई अलग सा कलर करवाना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे इतना बड़ा सब्सक्राइब बटन फालतू नहीं है, जाके बटन दबा दो गाइस जल्दी से। तो चलो यार आज की इस वीडियो में नहीं, और हाँ यार बहुत लोग कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं दे पाते, तो गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करोगे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैक्सिमम चांस है रिप्लाई मिलने के, तो फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ यार इस वीडियो पर तो एम करा ही नहीं, इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 150,000 लाइक के लिए, तो प्लीज कंप्लीट कर देना। तो चलो गाइस यार गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।